सुपर संडे के पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 44 रन से हराकर एक बड़ी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में कोलकाता ने टॉस जीता और दिल्ली को बैटिंग करने के लिए बुलाया। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ने दिल्ली को शानदार शुरुआत दी। 8.4 ओवर में ही दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 93 रन जोड़ लिए। पृथ्वी की ताबड़तोड़ पारी के बाद ऋषभ पंत ने वार्नर के साथ स्कोर को 150 रन के पास पहुंचाया। इसके बाद अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर ने मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स के छक्के छुड़ा दिए। दिल्ली ने 215 रन बनाए और आईपीएल 2022 का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया। चेस करना आसान नहीं होना था और कोलकाता की शुरुआत ने इसे और मुश्किल बना दिया। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर 5वें ओवर में ही लौट गए। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अच्छी बैटिंग की और 33 बॉल में 54 रन बनाए, पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहा। इस स्कोर को चेस करने के लिए आंद्रे रसल और पैट कमिंस का चलना जरूरी था। रसल कुछ देर पिच पर जरूर टिके, लेकिन वो सिर्फ 24 रन ही बना पाए। दिल्ली के लिए खलील अहमद ने 3 और कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और टीम को जीत दिला दी। कुलदीप यादव को उनके स्टार परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद कुलदीप यादव ने कहा, ये बल्लेबाजी करने के लिए बहुत अच्छी विकेट थी और इस पर गेंदबाजी करने के लिए आपको काफी बहादुरी की जरूरत होती है। साइड बाउंड्रीज लंबी हैं, इसलिए लेंथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। श्रेयस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विकेट था। मुझे लगा कि उनका विकेट व्यक्तिगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। वो उनकी टीम के अहम बल्लेबाज थे। जब से मैं भारतीय टीम में वापस आया हूँ, तब से मैं सिर्फ अपनी लय पर ध्यान दे रहा हूँ। श्रेयस और कमिंस दोनों के खिलाफ लेंथ वास्तव में अच्छी थी। ऋषभ बहुत शांत रहे हैं और स्टंप्स के पीछे से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। कुलदीप के अलावा मैच के बाद ऋषभ पंत ने कुलदीप की तारीफ करते हुए कहा, हम भी इस मैच से पहले फील्डिंग करते, बल्लेबाजी करते हुए हम सिर्फ पावर प्ले में दबाव बनाना चाहते थे। इसके बाद शार्दुल ने अंत में मैच को अच्छी तरह से समाप्त किया। इन परिस्थितियों में जब कोई ओस नहीं होती है तो आप जानते हैं कि 170 180 का स्कोर अच्छा है, लेकिन 200 बहुत कठिन है। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ये अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। कुलदीप एक साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उसे मौके नहीं मिल रहे। हम यहाँ उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम मोमेंटम को जारी रखना चाहते हैं और हम जानते थे कि अगर हमने विकेट गवाए तो हमारे पास अंत में सरफराज होंगे, इसलिए हमने अक्षर और शार्दुल को उनके ऊपर भेजा। एक क्रिकेटर और एक टीम के तौर पर सुधार की काफी गुंजाइश है। इस मुकाबले में हारने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि उनकी टीम ने ये मैच कहां गवाया। उन्होंने कहा, पहले ओवर से ही बहुत अच्छी शुरुआत की, पृथ्वी ने गेंदबाजों को संभाला। सच कहूं तो हमें पता नहीं था कि उस समय क्या करना है। विकेट वास्तव में अच्छा था। उन्होंने शुरुआत में अच्छी साझेदारी की और लय को आगे बढ़ाया। वास्तव में पिच बैटिंग के लिए अच्छी थी। हमने लक्ष्य का पीछा करते हुए 3 गेम जीते हैं, लेकिन आज कुछ खास नहीं रहा। भले ही हमें अच्छी शुरुआत नहीं मिली, लेकिन 20 के ओवर्स में हमने 7-15 ओवर तक अच्छा खेल दिखाया। उसके बाद हम 12 के रन रेट को जारी रखना चाहते थे। एक बल्लेबाज के रूप में ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप पारी को अच्छी तरह से पेस करें। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले में कोलकाता को हराकर एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसका फायदा उन्हें नेट रन रेट में भी हुआ है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।